हेलो डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपकी टीचर पूजा सहानी है आपकी बुक के साथ ग्रामर ग्लिटर ओडीसी बाय ब्रेन रूट सीरीज। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर 8, और चैप्टर नंबर 8 है आर्टिकल्स। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं आर्टिकल्स। ओके, सो अब आर्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों, आपने सुना है क्या? ए, एन, द, राइट? कभी ना कभी लिखा भी होगा ए, एन, द, इन्हें हम कहते हैं आर्टिकल्स। ओके, अब आर्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों और हम उन्हें कहाँ यूज करते हैं, उससे पहले हम ये जानते हैं कि जो लेटर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ए टू जेड तक आपको अल्फाबेट्स होते हैं ना, ए टू जेड तक। अब उनमें जो ये लेटर्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इन्हें हम कहते हैं वॉवल्स। क्या कहते हैं इन्हें हम? वॉवल्स, ठीक है। और बाकी के जितने भी अल्फाबेटिक लेटर्स होते हैं जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, R, S, T, okay? B, W, X, Y, Z. अब मैंने यहाँ पर इन पांचों को छोड़ दिया, बाकी सारा आपके लिए बोल दिया। वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। ओके बच्चों, तो अब आपको समझ आ गई कि A, E, I, O, U होते हैं वॉवल्स और बाकी के जितने भी लेटर बच जाते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अब हम वॉवल्स के आगे हमेशा लगाते हैं एन और कॉन्सोनेंट्स के आगे हम लगाते हैं ए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ए और एन होते हैं बच्चों इनडेफिनेट आर्टिकल्स। द इज डेफिनेट आर्टिकल। द क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल्स। इसके बारे में हम श्योर होते हैं कि ये चीज डेफिनेट है। ओके, व्हेन द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड इज साइलेंट। जब कभी कभी ऐसा होता है बच्चों एक वर्ड का फर्स्ट लेटर साइलेंट होता है एंड द सेकंड लेटर प्रोड्यूसेस अ वॉवल साउंड, और जो सेकंड लेटर होता है ना वो वॉवल की साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है, देन वी यूज एन बिफोर इट। मैंने अभी तक आपको ये बताया कि जो वॉवल्स होते हैं हम उनके आगे क्या लगाते हैं बच्चों, हमेशा लगाते हैं एन और कॉन्सोनेंट्स के आगे ए। पर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वर्ड में फर्स्ट लेटर साइलेंट होता है और जो दूसरा लेटर होता है वो वॉवल की साउंड निकाल रहा होता है। जैसे एग्जांपल में एन आवर, हम इसे हावर नहीं बोलते, हम इसे क्या बोलते हैं? एन आवर। तो ये होता है साइलेंट और ये प्रोड्यूस कर रहा है वॉवल की साउंड, राइट? अब है तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट लेकिन ये साइलेंट है यहाँ पर, तो हम इसके आगे क्या लगा रहे हैं? एन। ओके, जैसे ऑनेस्ट, अब हमारे पास एक वर्ड है ऑनेस्ट, ठीक है। अब ऑनेस्ट में आपको साउंड किसकी आ रही है? साउंड आ रही है ओ की, बिकॉज एच इज साइलेंट, तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे? एन, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पर आपको याद रखनी है। वी यूज ए फॉर वर्ड्स बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं उनके आगे हम लगाते हैं ए, और जो वॉवल साउंड से वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके आगे हम लगाते हैं एन, राइट? जैसे कि अ पेन, अ पेन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है पी, तो लगेगा अ ड्रम, अ कार। ओके, सो ये होती हैं आर्टिकल्स ए, एन और द। ए एन होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स और द होता है बच्चों डेफिनेट आर्टिकल। ओके, चलिए। और हम एन कहाँ पर लगाते हैं? वी यूज एन बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद अ वॉवल साउंड। जो वॉवल की साउंड निकाल रहे हो, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू की साउंड निकाल रहे हो, जैसे एन एग। सो किसकी साउंड निकाल रहा है ये? ए, ई, आई, ओ, यू में से किसी की साउंड है एन एग, एग। एन आइसक्रीम, आई की साउंड आ गई। एन ईगल, ई की साउंड। एन आउल, ओ की साउंड। ओके, सो जो भी ये वोवल साउंड्स के वर्ड्स होंगे इनके आगे हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? एन, राइट? अब यहाँ पर एक इंटरप्रिटेशन बॉक्स है और इसमें लिखा है
वी यूज आर्टिकल्स, हम आर्टिकल्स को यूज करते हैं बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले, टू रेफर टू द पर्सन और थिंग बीइंग टॉक्ड अबाउट. और वो ये शो करते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन या चीज की बात हो रही है. ठीक है, आर्टिकल नाउन से पहले लगते हैं और वो ये शो करते हैं सेंटेंस में कि इसकी बात हो रही है. राइट, चलिए आगे चलते हैं. वी यूज ए और एन व्हेन वी टॉक अबाउट एनी वन पर्सन और थिंग. जब हम किसी एक पर्सन या चीज की बात करते हैं तभी हम यूज करते हैं ए और एन का. ठीक है, जैसे टीना बॉट अ न्यू नोटबुक. सो एक न्यू नोटबुक खरीदी, एक की बात हो रही है तो हमने लगा दिया अ. और अ क्यों लगाया? बिकॉज एन जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट. चार्ली इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. अब इंटेलिजेंट में आई से स्टार्ट हो रहा है, प्लस वॉवल साउंड भी है, तो हमने लगाया एन. बिकॉज एक सिंगुलर नाउन की बात हो रही है चार्ली की, तो ए और एन हम हमेशा सिंगुलर पर्सन या चीज के साथ ही लगाते हैं. नाउ रीड दीज सेंटेंसेस. अब यहां पर मैं आपको द के बारे में बता रही हूँ बच्चों. आई सॉ अ बॉल इन द फील्ड. मैंने एक बॉल देखी कहाँ? फील्ड में. द बॉल वॉज रेड इन कलर. बॉल कैसी थी? रेड इन कलर. ओके, अ बॉल मतलब के एनी बॉल. ठीक है, किसी भी बॉल की बात कर रहे हैं. द बॉल, द स्पेसिफिक बॉल इन द फील्ड. बच्चों जब हम किसी स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं, किसी डेफिनेट चीज की बात करते हैं, जैसे फील्ड में वो एक ही बॉल है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? द बॉल. बॉल्स तो बहुत सारी होती हैं, अ बॉल कह सकते हैं किसी भी बॉल के लिए. लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं वहां पर हम यूज करेंगे द. ठीक है, किसी डेफिनेट चीज की बात कर रहे हैं मतलब हम उसी बॉल की बात कर रहे हैं जो फील्ड में है, तो हम उसको कैसे शो करेंगे? द लगा के. राइट, वी यूज द व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. जब हम एक पर्टिकुलर पर्सन या चीज की बात करते हैं, उसके अलावा हम और किसी की बात नहीं कर रहे, अभी हम उसी पर्सन की बात कर रहे हैं, उसी चीज की बात कर रहे हैं, तो हम लगाते हैं द. जैसे कि द बॉल, द एग, द ऑरेंज, द बॉय. इसमें चाहे वॉवल हो या कॉन्सोनेंट, अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हो तो आप क्या लगाओगे बच्चों? द. नेक्स्ट हम द कब लगाते हैं? वी यूज द विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन. ए और एन हम लगाते हैं सिर्फ सिंगुलर नाउन्स के साथ, द हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लगा सकते हैं. जैसे वी यूज द विद सन, स्काई, मून, अर्थ. अब ये क्या करते हैं हम? सन, स्काई, मून, अर्थ. बिकॉज ये एक एक ही है, सन भी एक है, मून भी एक है, अर्थ भी एक है और स्काई भी एक है, तो हम जब भी इनकी बात करेंगे तो वो क्या बात होगी? स्पेसिफिक चीज की बात होगी. राइट, और तो कोई सन नहीं है, और तो कोई स्काई नहीं है, और कोई मून नहीं है, और कोई अर्थ नहीं है, तो हम इन्हें स्पेसिफिकली शो करने के लिए क्या लिखेंगे? द मून, द सन, द अर्थ, द स्काई. ये आपको बच्चों याद रखना पड़ेगा कि जब भी आप मून, सन, अर्थ, स्काई की बात कर रहे हो तो आप एक ही चीज की बात कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर द लगाना है. वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स. जब हम रिवर्स की बात करते हैं उसके आगे भी हम द लगाएंगे, जैसे द कावेरी, द गंगा. राइट, चलिए आगे चलते हैं. नाउ दिस इज द एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन. अब हमें यहाँ पर फिल करना है ए और एन. डैश गर्ल ऑन द स्ट्रीट इज क्राइंग. अब यहाँ पर क्या आएगा? अ गर्ल ऑन द स्ट्रीट इज क्राइंग. क्यों हमने यहाँ पर ए लिखा बच्चों? बिकॉज हमें कौन सी साउंड आ रही है? कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है. राइट, आई फाउंड अ सी शेल इन द सैंड. डैश इंसेक्ट इज देयर इन द किचन. अब कौन सी साउंड आ रही है? आई से स्टार्ट है इंसेक्ट. आई की साउंड आ रही है ई की, सो एन इंसेक्ट इज देयर इन द किचन. प्लीज कैन आई हैव अ चॉकलेट. मिस्टर शर्मा इज ऑनेस्ट. ऑनेस्ट में किसकी साउंड आ रही है? एच साइलेंट हो जाएगा और ऑनेस्ट वॉवल की साउंड आ रही है. राइट, सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? मिस्टर शर्मा इज एन ऑनेस्ट मैन. कैन यू लेंड मी डैश पेन. अब एक पेन की बात हो रही है,
पेन कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो कैन यू लैंड मी अ पेन. चलिए आगे चलते हैं. यस नाउ द बी एक्सरसाइज. अब हमें इसमें फिल करना है ए बी एन और द भी. ए एन द हमें इसमें फिल करना है. डैश बर्ड फ्लू अप टू डैश एप्पल ट्री. सो अ बर्ड फ्लू अप टू द एप्पल ट्री. बिकॉज एक स्पेसिफिक ट्री की बात हो रही है यहाँ पर तो हम यहाँ पे लिख देंगे अ बर्ड फ्लू अप टू द एप्पल ट्री. वॉट इज डैश टाइम बाय योर वॉच. वॉट इज द टाइम बाय योर वॉच. हम बिल्कुल डेफिनेट टाइम पूछना चाह रहे हैं. वॉट इज द टाइम बाय योर वॉच. द गंगा. बिकॉज मैंने आपको बताया कि रिवर्स के नेम के आगे भी हम हमेशा द लगाते हैं. द गंगा इज अ सेक्रेट रिवर. गंगा एक पवित्र नदी है. अर्थ. अब अर्थ आ गया तो यहाँ पे भी द आएगा. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. बिकॉज सन भी एक है और अर्थ भी एक ही है. राइट. चलिए. कैन आई हैव ग्लास ऑफ वॉटर. कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वॉटर. इज दैट डैश डिक्शनरी ऑन द टेबल. इज दैट अ डिक्शनरी ऑन द टेबल. डैश मैन इज एज फैट एज डैश डियर. सो The man is as fat as the deer. Because यहाँ particular man की बात हो रही है जो deer जितना ही fat है. Okay? Dash train was late. The train was late. अब यहाँ पर हमने the क्यों लगाया है? क्योंकि I had to wait for dash hour. So मैं जिस train की बात कर रहा हूँ वो तो particular है ना. एक specific train से ही जाना है. So the train was late. I had to wait for an आवर. एन क्यों लगा? बिकॉज एच साइलेंट हो जाएगा और साउंड किसकी आ रही है? ओ की साउंड आ रही है. सो द ट्रेन वॉज लेट. आई हैड टू वेट फॉर एन आवर. ओके. सो बच्चों इस तरह से आई होप दैट नाउ यू आर क्लियर विथ ए एन और द. द इज डेफिनेट आर्टिकल. जब हम किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं तब हम द का यूज करते हैं. ए और एन हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन्स के लिए. ओके. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.